जी आपकी ये पेंटिंग मैंने पंजाब का कल्चर है बेसिकली कि किस तरह से देहात के लोग रहते हैं, कैसी जिंदगी होती है, कितनी सादा और कितनी सिंपल लेकिन रंगीन जिंदगी। ये भी आपकी आप अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम आफिश है। इसके थीम के बारे में मैंने बस पंजाब का एक पोर्ट्रेट है पंजाब के लोगों का, बस वो मैंने इसमें बनाने की कोशिश की। उसमें गहरी सोच, इनका इनकी सारी ज़िंदगी का मुशाहिदा होता है, वो इनके चेहरे की चुटकी, इनके चेहरे की जो रिंकल्स होती है, ये सारी उसकी सारी ज़िंदगी का एक मुशाहिदा होता है जो इस मुकाम का फिर बोलते हैं। जैसे उनकी एज है और एक्सपीरियंस है, उसको आपने एक्सपोज किया उससे चेंज जी। ये आपकी पेंटिंग्स हैं? आप मेरा नाम खुशरा सदीक है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरे एक आर्ट गैलरी भी आराम आर्ट गैलरी के नाम से है जगसीदात में इस्लामाबाद। तो ये मैंने पंजाब का कल्चर शोज में किया है, मुझे मैं लैंडस्केप से बड़ी इंस्पायर होती हूँ, इस वजह से मैंने एक व्यूजन से पंजाब का लिया यहाँ से, तो वो दिखाने की कोशिश की है। माशाल्लाह से पंजाब का कल्चर बहुत अच्छा है। तो ये आप कब सिखा रही हैं? मुझे 15 साल हो गए। और किसी से बाकायदा सीखा है या? जी मैंने बहुत जगह से सीखा है, मसलन उस्ताद से भी, मरगला कॉलेज से भी सीखा था, फिर मैंने आर्ट काउंसिल जो PNCA है वहाँ से भी सीखा, और एक सर है वहाँ पे सर नासिर खान सिमा, वहाँ से भी मैंने सीखा है, और डिफरेंट वर्कशॉप अटेंड करती रही वहाँ से मैंने सीखा है। तो आज जो आपने हिस्सा लिया, आपको पार्टिसिपेशन भी, सर्टिफिकेट भी मिला, तो कैसे देखती हैं आप? खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जिनसे आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे आर्टिस्टों की जो है आगे जिनसे आने का मौका मिल रहा है, आर्ट को शो करने का मौका भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ये इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि जो आर्टिस्ट घर बैठे हुए हैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको भी मौका मिले और यहाँ पे आए अपना काम शो करें। और आप कैसे फ्यूचर कैसे देखती हैं? आप खुश हैं? इसमें कुछ अर्निंग भी होती है, नहीं होती है, कैसे देख रही हैं आप? जी मुझे अर्निंग होती है माशाल्लाह से, मैंने जितना सीखा है उसका मैं अर्न भी कर रही हूँ, और मुझे खुशी होती है जब मैं आर्ट करती हूँ, कलरों के साथ खेलती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो किस नज़र बच्चों को, नई जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे इस आर्ट के हवाले से? नई जनरेशन को आना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल के साथ वो घुल मिल रहे हैं, तो वो एक तरह की जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जिस तरह से आप नेचर के करीब आएँ, कलरों से आप खेलें, अपने आप की जो सेहत होती है उस पर भी बहुत असर पड़ता है, रंगों के साथ खेलें तब आपको ज़िंदगी का और नेचर का पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी साहब। नाजरीन ये बहुत खूबसूरत सी आप पेंटिंग देख रहे हैं, तो इसी तरह इतने ही खूबसूरत हमारे आर्टिस्ट भी हैं जो इतने प्यारे पंजाब के कल्चर को दिखाते हैं। आज हम उससे बात करेंगे। जी आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजीहा राजा एंड बेसिकली आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट एंड आई एम फ्रॉम पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी एंड बेसिकली बिलोंग टू इस्लामाबाद बट माय प्रोविंस इज पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट इज पिंडी। व्हाट अबाउट योर फीचर एंड योर पिक्चर्स? एक्चुअली दीज आर लैंडस्केप ऑफ पंजाब, दिस बिलोंग टू सियालकोट हेड मराला एंड दिस इज अ सनसेट व्यू एंड बेसिकली इट्स मिक्स मीडिया वर्क ऑन कैनवस। तो क्यों ना हम इसी को पंजाबी कल्चर को पंजाबी में बात करें, यानी कि पंजाबी से गल करिए तो ठीक है ना? एक्चुअली मेरी जबान पंजाबी असानी जड़ी जबान है और पटवारी, तो वो बोल सकते हैं आप ताकि पटवारी की गल करो, पटवारी की गल करो, असान पटवारी आनी है। ठीक है तो सब पूछो हां, ये इसका बताएं आप ऑडियंस को हमारा पटवारी में कि क्या चीज़ आपने तैयार की। ये बेसिकली मैं लैंडस्केप बनाई सियालकोट नी, इस में सारे दसे फीचर्स, जरा सूरज ऐसा ना गुरूब होना
उसकी मैं इससे प्रिटेंड की था, उसकी मैं सारा उसने जो लैंडस्केप है और मैं बनाई। अच्छा अगर तुसा के अगे और फोटो बनाई जी असा की जरा पठवार आले हो ए पहले ए पहले तुसा तकी किनो जी ए साडे को पापा और बावा रे जी जनाब ते ए इना ने हथे दराटी पकड़ी जी पैरी इना तक को पुराने चप्पल पाए साड़ी आर्टिस्ट कितना क्लासिक काम कीता जनाब ए तको ना ए नाल इना कोई चादर पकड़ी सिरे पर पग बद्दी ते ई भी मिकी शाम ना मंदिर लगना पिया ते ए मुड़ी ते पता नहीं करे दार पे गछने ते करे दार गछने इना काम करी के ता बेसिकली असन एक किसान है जेड़े खेतें च काम करने सारे बाड़ियां च काम करने ते ओ मैं इस च उसकी पोर्ट्रेट कीता ते डेफिनेटली तुसा सही आखने करे गछने मुड़ी ते करे गछने ते थोड़ा जा दसो ना अपने इस फन ने फ्यूचर ने वाले नाल तुसा के किया शौक पिया ते किस तरह लगे हो ते अजकल ते होना ना जी भाई और अजकल शौक बतेरे जी ओ कहने ड्रेस डिजाइनिंग हो रही है तो मॉडलिंग हो रही है ते तुसा मतलब पेंटिंग दर किधर आए हो बेसिकली शौक असने बहुत सारे खाली पेंटिंग नहीं और भी बड़े सारे शौक ने सिंगिंग ने शौक ने तकरीर ने ड्रामे ने थिएटर ने बहुत सारे शौक पर बेसिकली असने जो बड़े हैं ना वो इसकी ज़्यादा पसंद करने खताती की ये जी पेंटिंग है इसकी सो दैट्स व्हाई मैं इसकी चूज करती हूँ और अगर तुसा ने कोई वैबसाइट थी कोई फेसबुक पेज थे तो तुसा बोलो ना साढ़े नाजरीन ताकि उत्थे तुसा नाल कांटेक्ट करे फेसबुक पेज थे उस सारे मारे उस्ताद है फ्रेंड्स है मारे लेकिन इंस्टा ना पेज थे मारा उसकी तुसा ज्वाइन करी सकने हो नूडल्स डॉट 1720 ये जरा ना मारा इंस्टाग्राम ना एक दफा फिर बोले इंस्टाग्राम नूडल्स डॉट 1720 NOODLEZ.17V तुसा गाने के बारे गल की थी, गाना भी गाई किन्ने गाई किन्ने आज गल्ला खराब है जी व्यूअर्स हमारी बहुत अच्छी प्यारी सी आर्टिस्ट हमारे भाई सुल्तान रुमेल और आर्ट गैलरी से आज हमसे मुखातब हैं और ये जो है पंजाब कल्चर के हवाले से बेशुमार पेंटिंग्स जी जनाब लगी हुई हैं ये आज नुमाइश हुई है और इनमें जो कुछ तस्वीरें हमें भी अच्छी लगी तो हमने कहा वो आपको दिखाएँ आप देखते रहें हमारा चैनल VFP TV नेक्स्ट तैयार रहें जी आ रही है वीडियो।